हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर चैनल एनएस नॉलेज एजुकेशन ऑफिशियल। दोस्तों, हम अपनी आज की इस टेली की वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह से हम सेल को क्वार्टरली चेक कर सकते हैं। क्वार्टरली यानी कि अप्रैल, मई, जून, इसी तरह से हम एक एक क्वार्टर यानी कि साल के चार क्वार्टरली सेल को चेक कर सकते हैं और इसी तरह हम परचेस को भी चेक कर सकते हैं। और हम क्वार्टरली में ही ये भी देखेंगे कि एक क्वार्टर में हमने पर्टिकुलर पार्टी को कितने अमाउंट का सेल किया है। तो आइए, इसको देखने के लिए हम सबसे पहले चलेंगे डिस्प्ले में। डिस्प्ले में हम चलेंगे अकाउंट्स बुक में। अकाउंट्स बुक में हम यहाँ पर सेल रजिस्टर पर एंटर करेंगे और अब हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारी अप्रैल की सेल, मई की सेल, जून, जुलाई और अगस्त की सेल। हमको यहाँ पर अगस्त की सेल और सितंबर, इसी तरह मार्च, जैसे जैसे हम एंट्रीज करते जाएंगे हमारे को ये यहाँ पर शो होता रहेगा। नाउ अब हम देख लेते हैं कि हम इन एंट्रीज को क्वार्टरली किस तरीके से चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पर साइड में देख सकते हैं F5, जिसके नीचे एक छोटा सा बार है। इसका मतलब होता है कि आप ऑल्ट के साथ F5 को प्रेस कीजिए ना, हम इसको क्वार्टरली चेक कर लेंगे। हम इस पर क्लिक कर देंगे या तो हम यूज़ करेंगे शॉर्टकट की ऑल्ट F5 या फिर हम यहाँ पर क्वार्टरली पर क्लिक कर देंगे ना। अब आप यहाँ पर देख सकते हो अप्रैल टू जून यानी कि तीन महीने की सेल 11,87,080 रुपीज़ और जुलाई से लेकर सितंबर तक की सेल 3,56,360। तो ये आपको क्वार्टरली यहाँ पर मेंशन हो गया। अब हम अप्रैल टू जून की सेल जैसे कि हमारे को देखना है तो हम इस पर एंटर कर लेंगे। जैसे ही हम इस पर एंटर करेंगे दोस्तों, आपको यहाँ पर दो ऑप्शंस मिल जाते हैं। या तो आप इसको कॉलमनर कर डिटेल वाइज भी देख सकते हो और हम इसको पर्टिकुलर पार्टी का टोटल सेल देखना चाहते हैं कि तीन महीने में कितना सेल हुआ, तो इसके लिए हम एक्सट्रैक्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर सिर्फ F6 है, नीचे कोई भी बार नहीं है, इसके लिए हम यहाँ पर शॉर्टकट की F6 प्रेस कर देंगे ना। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं सन्ड्री डेटर्स के हेड में सारे डेटर्स आ गए जिन डेटर्स को भी हमने यहाँ पर क्वार्टरली सेल किया होगा ना। जैसे कि ऑल इन वन टेलीविजन कंपनी, इसको हमने यहाँ पर सेल किया है 2,91,460। ये आपको तीन महीने का सेल यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपको सेल्स अकाउंट में यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये नेट सेल आपको बता रहा है कि आपने तीन महीने में नेट सेल कितना किया है, यानी विदाउट टैक्स, विदाउट ड्यूटीज एंड टैक्सेस यानी कि GST। यहाँ पर आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आपको यहाँ पर दिखा रहा है 181,080। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि नेट अमाउंट प्लस ड्यूटीज एंड टैक्सेस 11,87,080 रुपीज़, जो कि टैली है पार्टी के अमाउंट से। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से हम टैली में चेक कर सकते हैं क्वार्टरली। इसी तरह से हम और भी डिफरेंट जो भी हमारे क्वार्टरली होंगे सेल, हम उसको चेक कर सकते हैं और हम इसी तरह परचेज में भी चेक कर सकते हैं। आइए हम इसको स्किप करके बाहर आते हैं और हम इसी चीज़ को और किस तरीके से कर सकते हैं वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। हम यहाँ से बाहर आते हैं, हम फिर से चलेंगे सेल्स में। सेल्स में दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आता होगा ऑटो कॉलम का। यहाँ पर एन के नीचे एक छोटा सा बार है, इसके लिए हम यहाँ पर शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं ऑल्ट एन ना। हम इस पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको एक विंडो सी ओपन हो गई है, कॉलम डिटेल यानी कि ऑटो रिपीट कॉलम। हम यहाँ पर हाफ ईयरली भी देख सकते हैं, मंथली, क्वार्टरली, वीकली, ईयरली, आपको जैसा भी रिक्वायरमेंट हो। हम यहाँ पर क्वार्टरली चेक कर लेते हैं, एंटर करके एंटर कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, अप्रैल टू जून का यहाँ पर एक अलग से समरी बता रहा है और जुलाई से सितंबर तक अलग, और इसके बाद जैसे जैसे आप सेल करोगे वो आपको यहाँ पर शो करते रहेगा। दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह से हम परचेज में इसी तरह क्वार्टरली चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको टैली के इसी तरीके के वीडियोस और एक्सेल के फॉर्मूलाज रिलेटेड वीडियोस आपको तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।